हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मैं लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ शाम की चाय के लिए टेस्टी टेस्टी नाश्ता। ले लिए सौंफ, साबुत धनिया, हींग, अजवाइन और थोड़ी सी लिए राई, और लिया है ये दो बड़े और एक छोटा सा आलू। अब हम करेंगे यहाँ सरसों का तेल गरम, जिसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और थोड़ा सा डालेंगे हींग। हींग भी पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है, तला हुआ जब भी बनाते हैं तो थोड़ी सी हींग अजवाइन ज़रूर होनी चाहिए। अब जो हमने साबुत धनिया लिया है और सौंफ ली है, दोनों को दरदरा सा कूट लेंगे और डालेंगे इसे तेल पे। अब डाल देंगे इसमें आलू। अब इसमें डाल देंगे आलूओं को थोड़ा सा तोड़ के, या आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन काट के मत डालिएगा। इस तरह से डालेंगे ना तो मसाला बहुत अच्छा बन जाता है। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले, जैसे कि लाल मिर्च है, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हल्दी, और टेस्ट के अनुसार डालेंगे नमक। नमक सब चीज़ में अपने स्वाद के अनुसार ही पड़ता है, और मसालों में इसमें ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। और देखिए, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है, क्योंकि ये मसाला अगर मिक्स नहीं होगा ना आलू, तो बाद में ये ना स्टफिंग में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो अब इसमें हम डालते हैं नींबू का रस, इसे और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए। गैस को कर देंगे बंद। मसाला हो गया है रेडी। फिर डाला है हमने इसमें पूरा एक नींबू का रस, जो कि इसे और ज़्यादा स्वाद बनाने के लिए नींबू का रस डालिए, या आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इस जगह पे। लीजिए, सरसों का तेल हो गया है गरम। मैंने बनाए हैं सरसों के तेल में, आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। अब लेंगे इसके लिए एक बड़ा कटोरा भर के लिया है मैंने बेसन। अब डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। और डालेंगे हींग। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि इसके स्वाद को दुगना कर देगा। और अब इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स। अब लेंगे पानी। एक कटोरा हमने बेसन लिया था, तो एक कटोरे से थोड़ा कम ही इसमें पानी जाएगा। और पानी की मात्रा ना धीरे धीरे पानी डालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह का घोल तैयार करना है। बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा हो और ना ही ये पतला हो। गाढ़ा होगा ना तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा ब्रेड में। अब इस जगह पे हम डालेंगे इसमें नमक, और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, जो कि इसके टेस्ट को दुगना कर देगा। देखिए, बाहर से भी अगर टेस्टी लगते हैं ना पकौड़े, तो बहुत अच्छे लगते हैं। अंदर की स्टफिंग मुंह पे आती है तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। अब थोड़ा सा हमने डाला है यहाँ पर खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं मत डालिए, लेकिन फिर इसे आप बहुत अच्छी तरह फेंटिए, ताकि इसके अंदर ना बेसन के अंदर अच्छी सी हवा भर जाए, जो कि ब्रेड पकौड़े को थोड़ा सा फुला दे। अब हो गया हमारा बैटर भी रेडी, और हमारा भरावन भी ठंडी हो गई है। अब इसको लगा लेंगे ब्रेड के ऊपर। देखिए, जो आलू मोटा रह जाता ना, मैं आपसे कह रही थी ना कि वो परेशान करता है, तो वो देखिए किस तरह से परेशान कर रहा है, इसलिए इसे निकाल लेंगे। आलू का मसाला ठंडा हो गया है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा ना आलू का मसाला सेट हो जाता है। आलू जैसा आपको पता है ठंडा होते ही थोड़ा सेट हो जाता है। इसे हम प्लेट में अच्छे से कर देंगे मिक्स मसाले को, और ये फटाफट से भरने के लिए तैयार है हमारी ब्रेड में। तो देखिए, इस तरह से अगर बनाएंगे ना आप, तो बहुत टेस्टी लगेंगे। और जो इसमें हमने सौंफ और साबुत धनिया डाला है ना, तो जब आप खाएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका स्वाद कितना अच्छा आ रहा है इसमें। क्योंकि वो ना दरदरा कूटा हुआ है ना, तो वो जब हमारी हर बाइट में आएगा तो और अच्छा लगेगा। इस जगह पर आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने नहीं डाली है, आपकी मर्जी हो तो आप डाल सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च या तो आप पीस के डालिए, और काट के डालेंगे तो वो मुँह पे आएगी। बोरा जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि हरी मिर्च मुँह पे आए, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली है। लीजिए, अब भर दिए हैं मैंने ब्रेडों को। अब इसमें हम इसे हम काट लेंगे, थोड़ा सा धीरे से काटेंगे, फिर ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, तो सारी ब्रेड कट जाएंगी आराम से। चाकू मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन इतनी अच्छी धार है, मुझे ना इसी की आदत है। अब लीजिए, हमारा घोल भी अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम डालते हैं इसमें एक एक करके पकौड़ों को, और तल लेते हैं। यहाँ हमारा तेल भी काफ़ी अच्छा गर्म हो गया है, क्योंकि सरसों का तेल है तो जी उसे थोड़ा गर्म तो होना ही चाहिए। लेकिन जो सरसों के तेल का अरोमा आता है ना, और स्वास्थ्य के लिए भी रिफाइंड जितना हो सकता है ना कम ही खाइए, और बच्चों को भी कम ही खिलाइए। ज़्यादातर सरसों का तेल यूज़ कीजिए, जो कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग करते थे। पहले रिफाइंड नहीं होता था,
सब सरसों के तेल में ही खाना बनता था तो किसी के भी घुटनों में दर्द नहीं होता था। लेकिन आज आप देख लीजिए, रिफाइंड ने हमारे सरसों के तेल को थोड़ा पीछे कर दिया है, लेकिन फिर से हमारा सरसों का तेल नंबर वन पे आ गया है। और देखिए जो इसकी झांस होती है ना, वो कितनी असली सरसों के तेल की, यही बात है कि जो इसमें से झांस उठती है वो बहुत अच्छा सरसों का तेल होता है। तो देख लीजिए, आपको हो गया है ये हमारा रेडी। अब हम इसमें डाल देते हैं, राहुल ने बोला कि मम्मी चीज़ डाल के भी बनाते हैं। अब इसके अंदर भर दिए एक चीज़ स्लाइस, पहले लगा दिया था आलू का मसाला, ऊपर से चीज़ की स्लाइस रख दी है और फिर ऊपर से रखी है ब्रेड। तो देखिए ये बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि बच्चों को चीज़ वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। अब इसे काट के इसे भी हमने बेसन में कोट करके तल लिया है, और ये वाला पकौड़ा ना पूरा राहुल ने बनाया है। अब इन पकौड़ों को हम निकाल के रख देंगे टिशू पेपर के ऊपर, जो भी तेल है वो हमारा उसमें रह जाएगा। वैसे तेल ज़्यादा निकलता नहीं है। तो लीजिए ये हो गए हैं हमारे चीज़ के पकौड़े भी रेडी। अब ये राहुल ने बनाए हैं, देखें कैसे बनते हैं। हमने सोचा कि नया आविष्कार किया राहुल ने, पकौड़े, और वो भी चीज़, वो भी ब्रेड पकौड़े के अंदर। तो ये देख लीजिए, ये हमारा हो गया है सिंपल पकौड़ा रेडी, और ये हो गया है चीज़ का पकौड़ा रेडी। तो खाइए, बनाइए और बताइएगा ज़रूर कैसे बने थे। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं सबके साथ, धन्यवाद। तो बन गए हैं ब्रेड पकौड़े, इसमें बनी है स्टफ्ड है चीज़, और ये है प्लेन। बना के देखिए, खाइए और कमेंट कीजिए कि कैसे बने थे। तो आ गई हूँ वीडियो के एंडिंग में, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।